काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है। अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। यदि आप एक हिंदू भाई हैं तो इस खबर को सुनकर कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। चलिए बात करते हैं खबर की। खबर क्या है ये भी हमारे हिंदू पक्ष के वकील के मुंह से आगे सुनेंगे, पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ इसके बारे में। ज्ञान पाइप पर सबसे बड़ा फैसला आया है, जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष में ये फैसला दे दिया है और बोला है कि यहाँ पर जो ब्यास तहखाना है उसमें 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन उस पूजा को स्टार्ट करवाएगा जो कि 1993 से अब तक बंद था। और वहाँ पर यह भी पाया गया कि नंदी के सामने ही व्यास का जो तहखाना है उसमें कई सारी चीज़ें पाई गई हैं। चलिए सुनते हैं आगे विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष के वकील के मुंह से। जी कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है, उनको पता हो। कौन कौन से भगवान पूजा पाठ हो, क्या विधि हो? देखिए वहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ उसकी निटी गिटीज में वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया है, अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। तो 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी? 7 दिन के अंदर पूजा। ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर? जी कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा, जो कोर्ट का आदेश है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी? जी सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की। तो जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं? जी बिल्कुल 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 जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस के एम पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूँ। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था, आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहां पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के ये पहला चरण है? ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। तो इसके बाद अगला लक्ष्य वजू खाने का सर्वे है? वजू खाने का सर्वे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दोस्तों ये खबर सुनकर आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। चलिए बात करते हैं आगे। ज्ञान पापी मंदिर पर कई समय से हमारा ये कोर्ट केस चल रहा था, उस कोर्ट केस में आज जिला प्रशासन ने हमारे पक्ष में फैसला दे दिया है, तो आपका क्या कहना है इस पर कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। और बात करते हैं कि इसमें ये आदेश दिया गया कि 7 दिन के अंदर ब्यास जो तहखाना है उस ब्यास तहखाने में पूजा प्रारंभ करवा दी जाए, जिला प्रशासन को ये आदेश दिया गया है। अब आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, जैसा कि आपने देखा कि हमारे पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया। और मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है, अगर आप ये हिंदू भाई हैं तो कमेंट में एक बार जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। और इस तरह के वीडियो आपको और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम दोस्तों।